आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी, आज हम कचहरी परिसर में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जमा करता है जो भीड़ भी लगी है पूरा आंदोलन। अब जो इन्होंने पैसा जमा किया था वो आंदोलन का रूप ले चुका है, क्योंकि इनकी अब आज कहीं ना कहीं डूबती नजर आ रही है। लेकिन उच्च अधिकारियों से मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि जो सहारा के एजेंट है उन्होंने कहा था कि काउंटर लगवाएंगे और जिनका पैसा जमा हुआ है उनका पैसा भी मिलेगा। बताइए सर, क्या मामला उसका? सर, ये जो हमारा सहारा इंडिया में निवेशकर्ताओं का जो पैसा जमा है, जो कार्यकर्ता परेशान है, निवेशकर्ता परेशान कर रहा है, और उनके लिए हमने डीएम साहब महोदय से कहा था कि सर हमें एक काउंटर खुलवाने की परमिशन देते हैं, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ जमा हो जाए और जो हमारा 180 दिन में 6 महीने के भीतर जो हमारा पेमेंट के लिए चर्चा चल रही है वो हमारा उस भीतर हो जाए। इस चक्कर में हमने यहाँ पर अपना शांतिपूर्ण ढंग से और भूख हड़ताल का प्रोग्राम मतलब रखा है, चल रहा है। इटावा की जनता का कितना पैसा होगा सारा? लगभग 700 करोड़ रुपये हमारा होगा इटावा की जनता। इससे पहले क्यों इसको पहले हमने डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति साहब को और प्रधानमंत्री को और डीएम साहब को भी दे चुके हैं ज्ञापन। तीसरी बार हमारे साथ और लोग भी, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या बोलना चाहिए जी? मैं जो आप पूछ रहे किस किस को ज्ञापन दिया, वर्ष 2019 एक्ट के तहत हम लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं, हड़ताल पे हैं और ये चाहते हैं कि तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निवेशकों की कागज़ जमा कराएं। और इसके बारे में मैंने ज्ञापन सब प्रथम 5-6-7 अगस्त को राष्ट्रपति को दिया था दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन था। उसके बाद हमने फिर यहाँ कानपुर जोनल जोन ऑफिस पर भी धरना प्रदर्शन किया था, वहाँ भी ज्ञापन दिया। उसके बाद 2 बार यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। दोबारा आज हम लोग सब लोग आए हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी बातों का कोई अनुपालन नहीं होता, निर्णय नहीं होता, तब तक हम लोग आगे भी मतलब भूख हड़ताल कर सकते हैं। आपने देखा, ये हमारे साथ LIC उसके सहारा के अभिकर्ता थे और वो कह रहे थे कि जिनका पैसा जमा हुआ है वो उच्च अधिकारी इसमें थोड़ा संज्ञान लें और जिनकी जो परेशानी है उसे दूर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश श्रीवास्तव है सर, और मैं एरिया फील्ड मैनेजर थी अपने सारा इंडिया में। बहुत मेहनत ईमानदारी से मैंने काम किया। अब सर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि पेमेंट नहीं हो रहा है, जिसको लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं। महोदय से निवेदन करेंगे किसी तरह राज्य सरकार द्वारा मेरे इस कार्य को जल्दी से जल्दी काउंटर खुलवाएं, जो भी हो सकती व्यवस्था कराएं और फिर भुगतान कराएं। हम लोग बहुत टेंशन हैं, जाते हैं लोगों को पैसा ला के इकट्ठा किया है, वो लोग हमको बोलते हैं। हमारे लोगों में बहुत टेंशन हो रही है, हमारे सीनियर में तो बीमार हो गए इस बात को लेकर। हम सब बहुत गलत माहौल हो गया है यहाँ पर। बस सर से अनुरोध कर सकते हैं किसी तरह मेरा जो 2019 को लेकर हमको दिया था आश्वासन कि हाँ भुगतान होगा, सर उसी के लिए अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं किसी तरह से भुगतान कराइए, जैसे भी हो हम लोगों को अशांति से बचाइए, भय से बचाइए। हम लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत से कार्यकर्ता मेरे मर रहे हैं, बच्चों के लिए भी दिक्कतें हैं, हम लोगों के लिए भी दिक्कतें हैं सर। बस अपने शब्दों में इतना ही अनुरोध करूँगी सरकार द्वारा, जो भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है।